ब्राउन स्टोमन ने पलटी विंस मैकमैन की लग्जरी कार और ब्रॉक लेसनर के लिए नए अपोनेंट फॉर द रॉयल रंबल। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉ के शुरुआत में हमें विंस मैकमैन गाड़ी से उतरते हुए नजर आते हैं, उसके बाद हमें ब्रॉन स्टोमन रिंग में आते हुए नजर आते हैं, उसके बाद हमें बैरन कॉर्बन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर बैरन कॉर्बन ब्रॉन स्टोमन को काफ़ी गुस्सा दिला देते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्टोमन उनके पीछे चले जाते हैं और उसके बाद बैरन कॉर्बन गायब से हो जाते हैं। उसके बाद सिंह ब्रदर्स को भी वो हमला कर देते। आगे हमें अलायंस देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि बैरन कॉर्बन विंस मैकमैन के लग्जरी कार में। उसके बाद ब्रॉन स्टोमन लग्जरी कार में से ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। बैरन कॉर्बन दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। उसके बाद विंस मैकमैन आते हैं और उनके गाड़ी का हाल देखते हैं और कहते हैं जो तुम्हें यूनिवर्सल टाइटल के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अभी नहीं मिलेगी तुमको। उसके बाद एक फेटल फोर वे मैच अनाउंस हो जाता है, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस जॉन सीना वर्सेस बैरन कॉर्बन। इस मैच में जीत हासिल करते फिन बैलर एक प्रोडिग्रेस देते हैं जॉन सीना को। उसके ठीक बाद जॉन सीना उठकर कॉन्ग्रेचुलेशंस करते फिन बैलर को और कहते नंबर वन कंटेंडर फॉर ब्रॉक टाइटल एट रेसलमेनिया। तो बस आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को बाजू में प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रुको रुको गाइज, अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।